हेलो गाइज, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्रेजी किंग में। दोस्तों आज हम लेके आए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही पावरफुल वीडियो। दोस्तों आज हम जिस प्रोडक्ट या पदार्थ बोल दिए दोस्तों, उस पदार्थ के बारे में हम जो बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो एक बहुत ही खतरनाक केमिकल भी बोल सकते हैं दोस्तों, बहुत ही पावरफुल है दोस्तों। कुछ आपको मालूम है दोस्तों, कुछ पदार्थ या कुछ केमिकल ऐसे होते हैं दोस्तों, जिसको हम आसानी से हाथ लगाते हैं तो हाथ के ऊपर लगता है दोस्तों, लेकिन ये पदार्थ इतना कठिन और स्वभाव का है दोस्तों, जिसको हम अगर जोर से भी मार दे दोस्तों तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, और लेकिन इसको हम धीरे से स्पर्श करें दोस्तों तो इसमें से आसानी से हाथ जा सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज हम वही पदार्थ के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों। ये एक नॉन न्यूट्रॉन लिक्विड होता है दोस्तों, इसमें इसको आप हम बोलते हैं जिसको दोस्तों मक्की का आटा भी बोल दो या इसको कॉर्न स्टेच पाउडर भी बोलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में दोस्तों। जब तक नीचे सब्सक्राइब लिखा है सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियो के नीचे जो लाइक लिखा है दोस्तों उसको लाइक कीजिए दोस्तों, ताकि आपकी सपोर्ट की वजह से हम ऐसी और भी वीडियो आपके सामने ला सके दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। चलिए दोस्तों ये है कॉर्न स्टेच पाउडर यानी कि कॉर्न फ्लोर दोस्तों। इसको हम एक बाउल है, इस बाउल के अंदर ले लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये दिखने में बिल्कुल आटे के जैसे ही सेम एकदम बारीक वाला आटा जो होता है दोस्तों, इसको हम ले लिए एक बाउल में। ये ले लिया हमने दोस्तों ये बाउल में। पानी दोस्तों इसमें लिमिट अनुसार ही लीजिए ताकि ये इसका प्रभाव दिखा सके दोस्तों। चलिए दोस्तों ये ले लिया हमने इसमें पानी दोस्तों। दोस्तों हम इसको चम्मच जो होता है उसकी मदद से हम इसको एक मिक कर देंगे दोस्तों। दोस्तों ये देखिए चम्मच के साथ भी इसका वही प्रभाव बता रहा है दोस्तों, ये हिलाने में भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है दोस्तों, ये बहुत ही कठिन पदार्थ जो होता है वैसा बन गया है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों इसको मैं हाथ से हिला देता हूँ दोस्तों थोड़ा। ये देखिए दोस्तों बहुत ही कठोर हो गया है दोस्तों, ये इसको जब हम ऐसे करेंगे तो दोस्तों ये लिक्विड यानी सरल पदार्थ की तरह होता है दोस्तों, जब इसको हम ऐसे हाथ डाल के हिलाते हैं दोस्तों ये बहुत ही मुश्किल से ऐसा होता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इसको अगर हम आसानी से इसको थोड़ा सा एक जैसा कर देते हैं दोस्तों, इसको लगभग ये हो गया है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये एक जैसा हो गया है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों देखते हैं इसमें चम्मच अगर आसानी से डालेंगे दोस्तों तो ये देखिए दोस्तों ये एक हमारे साथ नॉर्मली लिक्विड की तरह बर्ताव करेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इसको हम डाल देते हैं चम्मच को तो ये अंदर चला जाएगा दोस्त, लेकिन जब हम इसको ये देखिए दोस्तों तो बहुत ही अलग तरह का बन गया दोस्त, लेकिन जब हम इसको ऊपर ऐसा मारेंगे तो दोस्तों इसको कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। कितना ही ज़ोर से मार दो आप चम्मच को रख के साइड में, देखिए हाथ से भी मार देता हूँ दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। नॉर्मली मेरे हाथ के ऊपर थोड़ा सा ये लग रहा है, बाकी इसको जो अलग करने की विपत्ति है वो नहीं होने वाला है दोस्तों। ये देखिए अगर मैं इसमें नॉर्मली से अंगुली डाल के देखूँ तो ये दोस्तों देखिए इसके अंदर चले जाएंगे दोस्तों। ये देखिए जब हम इसको ऐसा करते हैं दोस्तों ये एक बहुत ही अलग तरह का पदार्थ जो है वो बन जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये बहुत ही अलग तरह का पदार्थ है। ये देखिए दोस्तों इसके ऊपर जो है एक बहुत ही ठोस तरह की परत पाई जाती है दोस्तों, जिसको हम अगर आसानी से इसके अंदर ऐसा करेंगे तो उंगली चली जाएंगी दोस्तों अंदर। ये देखिए दोस्तों, लेकिन जब हम इसको ऐसे मारेंगे तो दोस्तों इसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों मेरे पास एक ठोस जो जग है इसके साथ हम इसको मार के देखेंगे दोस्तों, कुछ नहीं होना अंदर नहीं जा रहा दोस्तों। ये देखिए बहुत ही ठोस परत बन चुकी है इसके ऊपर। चलिए दोस्तों इसका हम कुछ अलग और अलग करके देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको हम ले लिया एक बड़ी सी प्लेट में दोस्तों। चलिए दोस्तों इसके साथ कुछ
ये देखिए दोस्तों, हो गया लगभग हमारा एक बड़ी सी प्लेट में जैसे ये तो दोस्तों बहुत ही अलग तरीके से ये तो ये हो रहा है दोस्तों, बहुत ही कठोर ठोस पदार्थ बन गया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसको अगर हम आसानी से दोनों हाथ जो है मैं अंदर रख दिया हूँ दोस्तों, ये देखिए पर बिल्कुल उसके साथ बर्ताव कर रहा है दोस्तों। ये देखिए मेरी उंगली अंदर चली गई दोस्त, जब ये देखिए दोस्तों इसको हम ऐसा भी करके ये कर सकते दोस्त, लेकिन जब हम दोस्तों इसके ऊपर अगर मारते हैं दोस्तों तो इसको ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों कुछ फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। सिंपली दोस्तों हमने देखा है कि जो गेहूं का आटा होता है दोस्तों वो बिल्कुल ही ऐसा रिएक्शन नहीं करता दोस्तों, और जो मक्की का आटा होता है दोस्तों यानी कि कॉर्नफ्लोर बोलते हैं उसको दोस्त, ये बहुत ही अलग तरह का रिएक्शन करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहेगा दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों हमारे को, ताकि ऐसे ही हम वीडियो मज़ेदार और इंजॉयदार वीडियो लाते रहे दोस्तों। और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक दोस्तों। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।